भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक गांव धनुषकोडी में हुआ था। इनके पिता मछुआरों को किराए पर नाव देते थे। कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन की पूर्ति हेतु अखबार बेचने का कार्य भी किया। डॉक्टर कलाम ने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन सदा संघर्षशील रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी तथा देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए सदा उत्कृष्टता के पथ पर चलते रहे। 71 वर्ष की आयु में भी वह अथक परिश्रम करते हुए भारत को सुपर पावर बनाने की ओर प्रयासरत रहे। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति थे। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम ने देश को अग्नि एवं पृथ्वी जैसे मिसाइलें देकर चीन एवं पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया। एक बार एयरफोर्स के पायलट के साक्षात्कार में 9वें नंबर पर आने के कारण उन्हें निराश होना पड़ा था। वे ऋषिकेश बाबा शिवानंद के पास चले गए एवं अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। बाबा ने उन्हें कहा, अपने भाग्य को स्वीकार करें और अपना जीवन को आगे बढ़ाएं। आपको एयरफोर्स पायलट बनना तय नहीं है, आप जो बनने के लिए तैयार हैं वह अब सामने नहीं आया है, लेकिन यह पूर्व निर्धारित है। इस असफलता को भूल जाइए, क्योंकि आपको अपने अस्तित्व तक ले जाना आवश्यक था। अपने आप से एक हो जाओ मेरा बेटा, अपने आप को भगवान की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करें। बाबा शिवानंद का कहने का अर्थ यह था कि असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। उन्हें जीवन में कहाँ पहुँचना है इसका पता नहीं। आप कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास करो। डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस नवयुवक के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक असफलता मिलने पर ही निराश हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने सारे जीवन में निस्वार्थ सेवा कार्य किया। उनका राष्ट्र प्रेम और उनका देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय के लिए सबक एवं प्रेरणा का पुंज है और हमेशा रहेगा। तो ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ढेर सारी प्रेरक कहानियां हम आप तक लाते रहें।